ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। यदि सरकार संविदा पर दी भी नौकरी को समाप्त कर रही है, यदि हम आत्मनिर्भर बनकर सिर उठाकर नहीं जी सकते, तो इस नौकरी को समाप्त करने के साथ साथ हम सभी को इच्छा मृत्यु की भी इजाजत दे देनी चाहिए, ताकि हम उसी आत्मसम्मान के साथ मौत को भी गले लगा सके। जी हाँ, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं जी शिक्षक और कर्मचारी। यह शिक्षक हैं सहारनपुर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कार्यरत हैं। नवीन चयन और पदस्थापन एवं इनकी नवीन संविदा नवीनीकरण के संदर्भ में अब इनकी नौकरी पर बनाई है। ऐसे में इन शिक्षकों और कर्मचारियों ने आज मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर इसमें राहत की मांग की है। इनका कहना है कि इनका वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसीलिए फिलहाल इन्हें कुछ समय दे दिया जाए, क्योंकि एक निर्धारित अवधि के अंदर शासन को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। संदर्भित शासनादेश को आनन फानन में लागू करना और कर्मचारियों पर जबरदस्त आरोपित करना ना ही न्याय संगत है और ना ही विधि समझते हैं। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में भी कई याचिकाएं आयोजित है, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही है। ऐसी परिस्थितियों में यह शासनादेश को वार्ड के विचार के आनंद और आम जबरदस्ती लागू करना और उसके माध्यम से कर्मचारियों का शोषण करना, उनकी सेवाएं समाप्त करना। प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक और कर्मचारियों का कहना है कि यदि उन्हें सरकार मान सम्मान के साथ नौकरी नहीं दे रही है और जबरन उन्हें हटा रही है, ऐसे में उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत भी दे दे, ताकि वे मौत को गले लगाकर अपने जीवन का समाप्त कर सके। इन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कर्मचारियों की जबरन सेवा समाप्त करने की धमकी दी जा रही है, उनसे स्थान पर शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, जिसमें वार्डन व पूर्णकालिक शिक्षकों की अंशकालीन शिक्षिका व अंशकालिक शिक्षकों का पूर्णकालिक शिक्षिका बनाए जाने की जबरदस्ती सहमति ली जा रही है। इतना ही नहीं, अंशकालिक मुख्य विषयों के प्रशिक्षित स्नातक पुरुष शिक्षकों को असंगत विषय का अध्यापक बताकर उनकी संविदा समाप्त की जा रही है। उन्होंने जबरन सहमति पत्र लेकर पद परिवर्तन एवं सेवा समापन नवीन चयन या पद स्थापन की मनमानी विधि विरुद्ध प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाए जाने की भी मांग की। वहीं मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह का कहना है कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वे शासनादेश अनुसार लिए जा रहे हैं, वे केवल शासन आदेश का पालन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने कुछ राहत समय की मांग की है, जिससे शासन को अवगत करा दिया जाएगा, जो भी शासन का निर्णय होगा उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। शासन का आदेश आया था कि विषयों के हिसाब से समायोजन करना है शिक्षिकाओं का, जो पूर्णकालिक और अंशकालिक हैं। इस संबंध में विभिन्न आदेश जारी हुए हैं, अगस्त माह में भी आया था, जुलाई में भी आया था। तो उस संबंध में जो कमेटी बनी है, उसके समक्ष उन्होंने कहा था कि थोड़े दिन और पोस्टपोन कर दिया जाए। तो बस ये इस मैटर के लिए आए थे, उन्होंने यही कहा था कि थोड़े दिन के लिए और पोस्टपोन किया जाए। हम शासन में बात कर रहे हैं और ये हमारा, तो हमने कहा कि हमारे जो भी निर्देश हैं शासनादेश के हिसाब से जो भी कार्य होगा नियम अनुसार होगा। मेरा नाम आशा रंजन है। आज विकास सर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जनपद सहारनपुर में 2006 से चल रहे हैं और यहाँ कर्मचारी लगभग 2006 से ही संविदा पर कार्यरत हैं। 14 जुलाई अभी 2020 में परियोजना निदेशक ने एक जीओ निकाला है, जिस जीओ में उन्होंने कुछ सब्जेक्ट को मुख्य कर दिया है, कुछ सब्जेक्ट को गौण कर दिया है। जो गौण सब्जेक्ट हैं उसमें उन्होंने कला, क्राफ्ट, संगीत, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा आदि सब्जेक्ट को इन्होंने गौण विषय में कर दिया है और मुख्य विषय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये सब्जेक्ट इन्होंने मुख्य में रखे हैं। लेकिन हम और ये कह दिया है कि जो फुल टाइम टीचर्स हैं वो मुख्य विषयों पे रहेंगे और जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं वो गौण विषय में रहेंगे। मुख्य विषय जो हमारे यहाँ फुल टाइम टीचर्स हैं उनकी सैलरी लगभग 22,000 होती है और पार्ट टाइमर की सैलरी है 9,800। आज तक सन 2006 से अब तक जो महिला होम साइंस या शारीरिक शिक्षा या कंप्यूटर पे इतने वर्षों से काम करती आई है 22,000 मानदेय पर, आज उसके सामने शर्त है ये कि अगर उसे इस कोरोना काल में नौकरी करनी है तो उसे 9,800 मानदेय पर आना पड़ेगा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, पुरुष शिक्षक जो इतने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, मुख्य विषय सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, उन सब लोगों के सामने दिक्कत ये है कि उन लोगों को फुल टाइम भी नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पुरुष हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में परियोजना निदेशक द्वारा ही बहुत सारी जेंडर ट्रेनिंग होती है, समझ में नहीं आता इन जेंडर ट्रेनिंग्स का मतलब क्या रह जाता है। अगर एक पुरुष अध्यापक को फुल टाइम करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहीं स्कूल में चौकीदार भी रहते हैं, वहीं स्कूल में पीआरडी भी रहते हैं जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी पुरुष हैं। सर, लगभग पूरे जनपद में 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें लगभग 30 लोग प्रभावित हैं।
सीडीओ साहब ने कहा है कि परियोजना निदेशक के जो आदेश हैं हम उनका पालन कर रहे हैं और आपकी समस्याओं को देखते हुए ही हम इतना टाइम रुके भी रहे कि असल में हम लोगों का जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है। 28 तारीख हम लोगों की डेट लगी हुई है और आज हम 28 सितंबर अभी हम लोग आए इसीलिए थे कि ये मामला तब तक रोक दिया जाए, तब तक कोई प्रक्रिया ना हो और जो भी रहेगा न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सब हम लोगों को मानना पड़ेगा। तब तक के लिए बस ये प्रक्रिया रोक दी जाए, तब तक को किसी को नौकरी से ना निकाला जाए। ठीक।